पानी अपने को लिमिटेड है, पर साड़ी मजबूरी है, किसान की मजबूरी है, ये नहीं है भी कोई किसान जानता नहीं, पर मजबूरी है भी उन्होंने पता होने के बावजूद भी आने वाली नस्लों का उन्होंने गला घुटना पै रहा है। निजी स्वार्थ के लिए नहीं, निजी स्वार्थ नहीं, वैसे असं मतलब बच्चे परिवार 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 पालन दिन मजबूरियां कर नहीं है जी। जे हम सरकार वो कोई माड़ा सहारा लावे, जिम्मे हम मान सरकार ने मूंगी तो कहा भी जी हाँ 7275 चो जिनी घट हो असी पा देंगे, जे माड़ा जा इधर भी मान सरकार कृपा करे भी जे जिन्ना जो कोई झाड़े तो घटता है तो असी सरकार मतलब सही तरीके कोई झाड़ बहुत फर्क नहीं पैंता, जानी जिन तक मेरा मन अजे तक 3 कमाण का मैं लाया भी 3 कमाण का झाड़ घट जीरी का घट जाता है, कणक का 2 मण बच जाता है, ये तो मतलब ऑलओवर 80 किलो 40 किलो साढ़े दाने घट जाते हैं जी। जमीनी धरती हरला पानी असि जहरा पा पा के जहरीली कर ली धरती, बीमारियां नूं सद्दा दे रहे हैं जी, तो सरकार नूं भी वड्डे उपराले अपने पद्धर ते करने चाहिए है। असीं तां सरकारां नूं बेनती करदे हां वी नीतियां जिहियां बनाओ गवांढी मुल्कां नाल संधियां करके उत्थे आपां कोई सब्जियां पैदा करिए, जिवें उधर सब्जी की डिमांड है, सब्जी पैदा करिए ड्रिप इरीगेशन नाल सब्जी पैदा करिए, साढ़े तूड़ी वाले कोठे मोटर वाले कोठों के ला के पाफ असी इतनी इतनी सब्जियां धरन वाले छोटे छोटे कोल्ड स्टोर बन जाना, तो जो सब्जी उधर जाए वह पक्का रेट हो असी मतलब तुबके पानी दीए, मैं थोड़े जे पानी बहुत ज्यादा फसल पैदा कर लिया, आने वाली नस्लों का असी पानी बचा सकी, जे कोई सरकार इस पास ध्यान दे, बाजरा दुपहरा नहीं सानू गुआरा कोई दुपहरा नहीं, अ कोई फसल मर्जी भी जाए सारिया फसलों बीजन तैयार हैं, किसान यही गल नहीं कोई कहता भी असं नहीं बीजनी, पर अपन तो आमदन चाहिए है, जो तो MSP नहीं ग्रंटन MSP नहीं हैगी चीज़ की मार झलता किसान उन्होंने किनारा कर डिवर्सीफिकेशन तो किनारा करता जी। बिजाई तो बाद किन्ने दिन बाद पानी लगता इनू 21 दिन बाद कहती है यूनिवर्सिटी जी, वैसे अभी तो 26-27 दिन बाद लावे भी यूनिवर्सिटी लेके आए उ हाँ जी हाँ जी यूनिवर्सिटी लेके आए जी। तो जिम्मे कणक भी जिदा हमने आप पानी कणक वागू लगता एक फर्क नहीं होंगे नहीं पिछले उदू बाद फिर उही विधि चलूगी जी, एक बार पानी ला के फिर बत्तर आने माड़ा जहाँ जो पैर चला हो गया तो स्प्रे करा हजे असं कोई स्प्रे नहीं करी नदीनाशक जी, भी स्प्रे करके फिर उस तो बाद लगातार पानी उम्मीद लगेगा जिम्मे आम झोने लगता जी। सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं पंजाब न्यूज़ चैनल पर, मैं सिमरजीत सदाणा, असी मौजूदा जिला बरनाले दे विच पानी दीआं 3 दे विचों 2 परतां खत्म हो चुकियां ने, ते आउण वालीआं नसलां नूं फसलां नूं बचाउण दे लई इक नारा भी दित्ता जा रहा है कि पानी बचाउणा चाहीदा है। तां जिला बरनाला दे विच मौजूद है इत्थे हरविंदर सिंह बड़िंग वालों 70 किले बाणा जिहड़ा मशीनी बिजाई कीती गई है झोने की, क्योंकि पानी बड़ा थोड़ा बचा पंजाब दे कोल, पानी बचाउण दे लई बड़ा नारा दित्ता जा रहा है कि पानी बचाना जरूरी है लाजमी, क्योंकि पानी नहीं तो पानी की महत्ता गुरबाणी के दसी गई है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत्त दिवस रात दुई दाई दाया खेला सगल जगत, गुरबाणी के भी पानी की जी महत्ता दसी गई है कि पानी नूं बचाना चाहिए, पर पानी असी गंदला कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए असी पानी की छड़ना, तो हुण अज दे अजोके दौर की गल कर ली तो पानी का हेठला पानी है जिहड़ा लैवल है पानी का वो गंदला हो चुका, असं आपके निजी स्वार्थ के लिए असं पानिया गंदला कर रहे हैं, चाहे सतलुज दरिया की गल हो चाहे होर भी जेडे ब्यास दरिया की गल हो, पानी है जेडे लगातार दिन ब दिन पानी का लैवल है जोड़ा वो थले जा रहा, तो झोने की लवाई का सीजन है, झोने की लवाई चल रही है, तो वड्डी पद्धर जी पानी की लागत वो वड्डी पद्धर से लगती है, 2 परतां 3 दे विचों 2 परतां जिहड़ियां पानी दीआं खत्म हो चुकियां ने, तां हरविंदर सिंह बड़िंग वल्लों 70 किले वाहणा जिहड़ा मशीनी बिजाई है जिहड़ी वो झोने की कीती गई, आपां गलबात करदे आ की मनोरथ नूं लैके की सोच के उन्होंने बिजाई की है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल वीर जी, मैं हरविंदर सिंह बड़िंग पिंड धनौला जी। बड़िंग साहब, तुसीं देख रहे असीं कि मशीनी बिजाई की है, ये क्यों की मशीनी बिजाई, क्योंकि दूजे लोग हत्थी जिहड़ा झोना लगा रहे की सोच के बिजाई की है? असी कोविड वाले साल जी 2020 साल 2020 के उदो 5 मशीन लियाए सी, साढ़े आंढी गुआढ़ी भी सारे लियाए सी जी, कट्ठिया असी 5 मशीन लियाए सी जी, उदों तो ला के असी आपका सारा खेत बीज रहे हैं। पिछले साल असी 4 किले तो 4 ऐतकी जी, ये साइलेज वास्ते मक्की बीजी है, ये कद्दू विधि हली विधि बीजा, नहीं असी टोटल खेत सारा आपका
DSR ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸ਼ੀਨੀ? 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, 3ਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 3ਜਾ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਲੀ ਬੰਦ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 7200-7500 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਝਾੜੇ ਦਾ ਘੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝਾੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੱਦੂ ਵਰਗਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਾੜ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਕਮਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਵੀ 3 ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ, ਜੀਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ 2 ਮਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ 80 ਕਿਲੋ 40 ਕਿਲੋ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, WU ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਣਿਓ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਧਰਤੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਫਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਪਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਝੋਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਾ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਟਹਿ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਗੰਧਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਉਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ? ਇਹ ਉਵੇਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਣਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਟੋਫੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਜੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਓ, ਜੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਣ, ਉਈ ਮਿੱਚੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੋੜਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਪੀਲੀ ਪੂਛਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ 3 ਕਿੱਲੇ ਅਸੀਂ PR 128 ਬੀਜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ
फिर असं पिछले साल 20 किले बीजे से जी पी आर 28 तो पी आर 29 के जो तो पिछले साल भी साड़ी वो बढ़ गई पीली पूछा झड़ बढ़ता रहा एतकी असी ताइयों छड़िया जी जो 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 आप मतलब एक्सपैरीमेंट करते हैं फिर ही अपन पता लगता जी नहीं उन्ना चर असं डरते रहने भी साढ़ा झाड़ ना घट जाए जे जे झाड़ घट गया किसान पहले ही करजे ही है करजे की मार हेठा भी असं उठा किमें मजबूरी है किसान ये गल्ला भी किसान लैके किसान सोच रहा है कि यार 4 रुपये बचन गए तो इन्हें फसलों वाल तुरै हो किसान हाँ जी हाँ जी हाँ जी ताइयों चले ना जी जी मतलब कणक झोने वाल ताइयों चलिया हुआ भी ये पक्की आमदन है जी जी हाँ जी नरमे की फसल होगी जिमें ज होर जिम्मे सब्जियां हो गई जो उन्होंने सरकार लैके कोई सहूलत मुहैया करवाई जान जिम्मे मूंगी तो हमने MSP दी है होर सब्जियां हो गई झोना हो गया कणक हो गई इन्होंने फसलों तो निकला जा सकता नहीं किसान तो निकलों तैयार है जी साढ़े कहीं तो चाहे बाजरा बीज लगा सू तो जदों जदों आमदन उन्नी होगी सू कोई बाजरा दुपहरा नहीं सानू गुआरा कोई दुपहरा नहीं अभी तो कोई फसल मर्जी बीजा सारिया फसलों बीजन तैयार हाँ किसान यही गल नहीं कोई कहता भी असं आ नहीं बीजनी पर अपन तो आमदन चाहिए है जो तो MSP नहीं करंटना MSP नहीं हैगी उस चीज़ की मार झलता किसान उन्हों तो किनारा कर डाइवर्सीफिकेशन तो किनारा करता जी जी हाँ चाहता है करना पर पक्या नीतियां ना होने करके सरकार के नीतियां कारण कर नहीं पाँगा हाँ ता नहीं कर पाँगा जी तो सरकार हीले वसीले इदा के करने चाहिए क्योंकि जिम्मे मैं पहला क्या भूमिका के बच्चे कहा कि नारा तो दिता जा रहा है कि पानी पंजाब के कोल बड़ा थोड़ा बचा है तो ये सरकार भी आपकी पद्धर से जो उपराले करने चाहिए है किसान रवायती फसलों के बच्चों जिमें झोना होगी कणक होगी इन्ह रवायती फसलों चो क्ढण के लिए होरना फसलों उपर MSP दे के ज होर रेट वाजब रेट दे के इन रवायती फसलों चो क्ढना चाहिए फिर ही जो पानी का पद्धर है वो उपर न आ सकता है तो इन गलों ना नहीं आना तो थोड़ू लगता कि जरा पानी हम वीड्डी पद्धर से नारा भी दिता जा रहा है क्योंकि जिम्मे मैं कह रहा कि 15 साल का पानी पंजाब को बचा उस तो बाद बहुत माड़ा हाल होना है लगता कि इदा की बिजाई करते एक हंबला बजूगा पानी उतला लैवल आऊगा नहीं देखो फर्क तो पैना ही पैना जी हूँ मतलब अज 5 जून होगी असं 8 जुलाई तो पानी शुरू करना है जी तो मानो भी जो जो 20-25 दिन का पानी बच गया सा वाटर सेव भी हो जी सा नाले बल्कि साडा बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे के उपर 4 लाइन के उपर खेत है नहर चो सा कनैक्शन है हरीगढ़ वाली नहर चो जी कोटला ब्रांच चो तो नहर चो कनैक्शन भी है साढ़े पिंड इतने तो बाकी मोटर का हम पानी सारिया मोटर खड़िया ने उद तो बिजाई तो बाद बच्चा किन्ने दिन बाद पानी लगता इनू 21 दिन बाद कहती है यूनिवर्सिटी जी वैसे अभी तो 26-27 दिन बाद लावे भी यूनिवर्सिटी लेके आए उ हाँ जी हाँ जी यूनिवर्सिटी लेके आए जी तो जिम्मे कणक भी जिदा उन्हें आप पानी कणक वागू लगता एक फर्क नहीं होंगे नहीं पिछले उदू बाद फिर उही विधि चलूगी जी एक बार पानी ला के फिर बत्तर आने माड़ा जहाँ जो पैर चला हो गया तो स्प्रे करा हजे असं कोई स्प्रे नहीं करी नदीनाशक जी भी स्प्रे करके बस फिर उस तो बाद लगातार पानी उम्मीद लगेगा जिम्मे आम झोने लगता जी होर तरीके बरतने जिम्मे टेलों के उपर बने रिचार्ज पॉइंट जो छेड़े बनने चाहिए है हाँ जी जरा बरसात का पानी है ज वेस्टिंग होंगी पानी की वह वेस्टिंग ना हो रीचार्ज पॉइंट राही धरती से बचा इदा उपराले बहुत वाइस उपराला जी रीचार्ज वाला भी बहुत वाइस जी साडा भी इतने मतलब जो असं नहर चो कनैक्शन कराया उत्थे बोर लगे जी दो कैफ्टियां लगियां जो सा पानी वेस्ट हों तो असं छड़ दें जी जी लगता थोड़ा बडिंग साहब के पंजाब के बच्चे ये होना चाहिए क्योंकि जेकर पानी बचा तो सीधी बिजाई होनी चाहिए है रीचार्जिंग पॉइंट होने चाहिए ता कि जो पानी का जो लैवल बल मिलना जाके देखो जी जो ये जो आप सारे बंदे आपो अपना फर्ज समझा निजी स्वार्थ थोड़ा बाहर आना पैना सारे बंदे आपका फर्ज है जिन्ना क आप बचा सकते हरेक बंद ने सोचा भी जिन्ना क पानी मैं बचा सकता उन्ना क बचाव अज तो फिर अपने आप ही बचूगा जी सरकारों की अपील करना चाहते हो सरकारों अपनी पद्धर से की करना चाहिए सरकारों तो जी ये प्रति नीतियाँ लिया वैसे तो मतलब बहरले दूजे गुआढ़ी मुल्कों संधियां करके मतलब दूजिया बदलवी फसल हो सू बद ठीक लगता क्योंकि हम चाहे आप 8 जुलाई तो ही पानी छड़ा 8 जुलाई तो मनो भी 2-2.5 महीने का पानी छड़ा ना जी जे मतलब सब्जियां हो सब्जियां होर फसल हो फिर पानी बच रहे जी कोई ड्रिप इरीगेशन वाली सब्जियां हो हाँ फिर पानी बच जिम्मे होर सब्जियां हो गई उन्होंने MSP सरकार में दी हाँ जी MSP ग्रंटेड में MSP हो जी कल कला लाने बाकी ना हो सची मुची लाने MSP हो पक्के तौर पर लिखती तौर पर MSP हाँ जी हाँ जी हाँ जी
तो बड़िंग साहब सके जिला बरनाले के मौजूद सके तो तनौला पै जाता है। तू एक बार फिर दिखा दें सहयोगी को बेनती कि दिखा दिता जाए 70 किले बाण है 70 किले बाण है 70 दे 65 किले है जी वो सीधी बिजाई की हुई है पानी को बचाने लिए पानी न पानी का जो लैवल है लगातार जो नारा लाया जा रहा है कि पानी पंजाब के कोल 15 साल का बचा यू एन ओ वालों जरा वो ऐलान कर दिता गया कि पंजाब के कोल पानी है जरा 15 साल का पानी बचा तो सरकार को अपनी पद्धर का जोड़े इदा के उपराले करने चाहिए जेकर पानी को बचा तो रीचार्जिंग पॉइंट होने चाहिए टेलों के उपर नहर के नाल जोड़े टेलां बनिया होंदिया ने तो उत्थे रीचार्जिंग पॉइंट आ जोड़े वो होने चाहिए है ताकि पानी के लैवल में बल मिले। तो किसान इतने एक बखरी पहलकदमी पिछले 3 सालों तो कर रहे हैं 3 सालों तो वह जरा झोने की सीधी बिजाई जी कर रहे हैं तो इन्होंने यही सोच के जी झोने की सीधी बिजाई की है कि पानी में जरा पानी मुकता जा रहा पंजाब गुरबाणी के पानी की महत्ता दसी गई है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत पर अज असी पानी अपने निजी स्वार्थ के लिए गंधला कर दिता रेहा सपरेहा पा के झाड़ लैन दे पर असी साड़िया आने वाली फसलों नस्लों जी सा नस्ल अच्छ साल की है 15 साल की होनी है 15 सालों तो उन्होंने नस्लों असं दे की रहे हैं उन्होंने लिए असं बीज की रहे हैं निजी स्वार्थ के लिए जोड़ा आने वाला साड़ा भविख है सुनहरी भविख है साड़िया नस्लों का साड़िया जनरेशन का जोड़ा भविख होना है वो भी असं खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक किसान भी सोचना पैना सरकार अपनी पद्धर के बड़े उपराले करने चाहिए है जिमें बई ने गल की है किसान बड़िंग साहब ने गल की है कि सू एम एस पी जी सब्जियां मिलनी चाहिए चाहे कोई भी सब्जी हो जिमें मूंगी तो एम एस पी दी सरकार ने तो होर सब्जियों उपर जी एम एस पी देनी चाहिए ता ही जो किसान है रवायती फसली चक्कर चो बाहर निकल पाऊगा ता ही जो पानी के लैवल में जोड़ा वो बल मिलना कितना कितने जाके उपराले होने चाहिए है रीचार्जिंग पॉइंट आ जोड़े सरकार को अपनी पद्धर से रीचार्जिंग पॉइंट आ जिते टेलां पैंदियां उत्थे रीचार्जिंग पॉइंट लाने चाहिए है। तो इदां दे स्टोरी लेके असीं हाजिर होंदे रहांगे जो एक प्रेरणादायक होंदे ने। मैं सिमरजीत सधाणा कैमरामैन सुखमंदर दे नाल जुड़े रहो पंजाब न्यूज़ चैनल दे नाल। धन्यवाद।